हेलो, मैं हूं आपके साथ नेहा। आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। सिंगिंग रियलिटी टीवी शो इंडियन आइडल का फिनाले नजदीक आ रहा है। ऐसे में शो के फैंस इसके फिनाले को लेकर अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। बीते दिनों कई महान गायकों ने शो की जमकर आलोचना की थी, हालांकि शो के चाहने वालों पर इसका कोई असर नहीं दिखा। वैसे भी जनता को जहां एंटरटेनमेंट मिलता है वो वहां खिसक लेती है, फिर चाहे राखी सावंत से एंटरटेनमेंट मिले या इंडियन आइडल में। खैर, यहाँ हम पुराने विवाद पर बात नहीं करने वाले। हम आपके लिए इंडियन आइडल की ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं। हम सभी जानते हैं कि शो के सभी कंटेस्टेंट एक साथ रहते हैं, काम करते हैं और एक दूसरे के दोस्त भी बन जाते हैं, और कभी कभी इन कंटेस्टेंट की बॉन्डिंग दोस्ती से भी आगे बढ़ जाती है। ऐसे में पवनदीप और अरुणीता का रिश्ता भी कुछ ऐसे ही मोड़ पर है। दोनों की नोकझोंक इनकी दोस्ती को कुछ और ही रूप दे रही है। वहीं कुछ लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि कहीं पवनदीप और अरुणीता की ये बॉन्डिंग टीआरपी के लिए तो नहीं है। दरअसल हाल ही में इंडियन आइडल का एक नया प्रोमो वीडियो सामने आया, जिसे देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि इस वीडियो में पवनदीप अरुणीता से अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। इस प्रोमो वीडियो में पवनदीप ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें प्यार हो गया है। इस वीडियो में कैमरा लगातार अरुणीता पर बना हुआ है। पवनदीप की बातों को सुनकर अरुणीता शर्मा रही है, स्माइल कर रही है। वहां मौजूद जज से लेकर सभी कंटेस्टेंट तक हर कोई अरुणीता को हैरानी से देख रहा है। खैर, पवनदीप की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन ये चैनल वाले पब्लिक को क्या समझते हैं, उन्हें लगता है कि इससे लोग अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करेंगे। लेकिन भैया, ये पब्लिक है, सब जानती है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि पवनदीप और अरुणीता ये सब टीआरपी के लिए कर रहे हैं। हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। प्यार की ऐसी हवा इंडियन आइडल के सेट पर कई बार उड़ी, लेकिन शो खत्म होने के बाद हवा का रुख बदल ही जाता है। मगर पवनदीप और अरुणीता के बीच सच में कोई खिचड़ी पक रही है या ये दोनों पब्लिक को बुद्धू बना रहे हैं, ये जल्द ही पता चल जाएगा। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहें।